आपको चार पूरी मिलती है, एकदम गर्मा गर्म, काफ़ी गर्म है और क्रिस्पी एकदम। ये चटनी है और ये इनके छोले हैं। मैं आपको खा के बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। आलू और छोले की सब्जी है बढ़िया। ₹50 की प्लेट है मात्र, उसमें चार पूरियाँ मिल जाती है, मतलब और 10-15 रुपये की एक पूरी हो गई, बहुत पड़ता है। और ये देखो चटनी भी है, मैं चटनी के साथ खाता हूँ। मैंने अभी छोले में लिया और चटनी लिया, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, अभी लंच का टाइम है, प्रॉपर अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, अब आपको दिखाता हूँ लस्सी इनकी, बनते हुए और पीते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए बनना स्टार्ट हो गई यहाँ पे, यादव जी की फेमस लस्सी नागपुर के अंदर, नॉर्थ नागपुर में टेकाना का एरिया में पड़ती है। यहाँ पे अभी भैया हमारे लिए बना रहे हैं बढ़िया। ये डल रही है इसमें शक्कर, इसको अच्छे से घोट के ताकि चीनी पूरी घुल जाए और मीठा मीठा स्वाद है। तो ये दही भाई अपना यहीं का रहता है पूरा। बर्फ डालेंगे, हाँ बर्फ। अरे कंटिन्यू बनता रहता ना, और थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे होती है पूरी लस्सी हमारी रेडी। बस अब इसको सीधा ग्लास में डालना और पीना है। ये लस्सी हमारे प्यारे से यादव जी की लस्सी। यादव जी क्या हाल चाल? बढ़िया जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बनती है जी यहाँ की स्पेशल लस्सी, जो नागपुर की बोल सकते हैं आप, बहुत ही पसंदीदा, सबको बहुत पसंद आती है नागपुर में। नॉर्थ नागपुर के लोगों के लिए तो ये एकदम जन्नत है। यादव जी कितने साल हो गए यहाँ पर? 25 साल हो गए। 25 साल? क्या बात है। तब कितने की थी लस्सी एक अंदाजा? तो 5 रुपये, 5 रुपये की थी और आज 25 की है। 25 की। ये यहाँ पे लस्सी देख सकते हो आप, एकदम हाफ फुल दो कैटेगरी में होती है। और ये डाली उस पर मलाई, मतलब हमारी दही। तो ये लस्सी तो है ही, उसके अलावा मैंने अंदर देखा खाने की भी बहुत भीड़ है। पूरी छोले, चावल छोले, अच्छा दही, लस्सी, मट्ठा, सब सब मिलता है। मतलब एक आदमी दोपहर का खाना यहाँ पे बढ़िया बराबर मिलेगा, सब मिलेगा, बराबर महीना मिलेगा। अरे वाह क्या बात है। अच्छा 12 महीने लस्सी चल रही है, गर्मी बरसात सब पूरा मिलेगा, क्या बात है यार। ये तो बहुत कम जगह होता है नागपुर में लस्सी पूरा साल मिलती है, यहाँ मिल जाएगी आपको यादव जी के यहाँ। तो ये मीठी लस्सी रहती ना, ये भी नमक वाली हो गई लग रही है हमारे लिए। तो जी ये आ गई हमारी नागपुर की बहुत ही स्पेशल लस्सी, यादव जी की लस्सी, पीते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ। बिल्कुल नागपुर में रहते हो तो ये लस्सी बिल्कुल मिस मत करो। यादव जी की लस्सी टेकानागा में मिल जाएगी, मेट्रो स्टेशन के थोड़ा पास ही है। कोई किसी को भी पूछोगे कोई भी बता देगा, बहुत फेमस है। आइए और इसका मजा लीजिए। देख सकते हो यहाँ पर आपको छाछ भी मिल जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से, क्या बात है। ओह एक नंबर, एक नंबर। क्या पीते हो आप यहाँ पे? लस्सी की चाय? एक नंबर है। कितने साल से पी रहे?